हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है सैटरडे और आज है अंकुर का बर्थडे। तो कल रात को ऐसा हुआ था कि अंकुर ना सो गए थे, अब बहुत ज़्यादा गहरी नींद में थे क्योंकि कल बहुत ज़्यादा थक भी चुके थे क्योंकि बिलासपुर गए थे। बिलासपुर से आने के बाद हम लोग खाना वाना खा के बहुत देर जगे, लेकिन अंकुर बहुत ज़्यादा देर जग नहीं पाते। तो ना हम लोग 12 बजे केक कटिंग नहीं किए। मेरे प्लान ऐसी था कि 12 बजे हम रात में केक कट करेंगे, बट ऐसा नहीं हो पाया। तो कोई नहीं, अभी हम लोग सुबह अभी तो जा रहे हैं घर। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं भिलाई के लिए, तो अभी हम लोग जा रहे हैं घर। तो वहाँ जाके कुछ काम वगैरह है वो सब करने के बाद, फिर उसके बाद शाम में हमारा कुछ प्लान है तो वहाँ जाएंगे। तो ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया हम लोग का, तो अभी हम लोग यहाँ से निकलते हैं। और निकलने के बाद सबसे पहले मैं जाऊँगी अपने घर मम्मी लोग से मिल के, क्योंकि अंकुर मिलेंगे मम्मी से, थम्मा से, दादी से, सबसे, तो फिर पापा से, और फिर सबसे मिलने के बाद फिर हम लोग निकलेंगे घर के लिए। तो चलो चलते हैं। मतलब जितना एक्साइटमेंट लड़कियों को होता है अपने बर्थडे का, लड़कों को कुछ एक्साइटमेंट होता ही नहीं है। मतलब ऐसे नॉर्मल ही लग रहा है, बट एनीवेज ठीक है। अभी तो हम लोग निकलते हैं घर के लिए। और क्या प्लान है वैसे तो कुछ पता नहीं अभी क्या प्लानिंग है, क्योंकि हम लोग जा रहे भिलाई पहले। तो मैं सोची थी कि यहीं पर रहते तो कुछ मैं प्लान करती हम दोनों कहीं जाते, बट फिर अंकुर बोले कि चलते हैं घर पे, क्योंकि सैटरडे संडे भी कुछ काम भी है और फैमिली वालों के साथ भी थोड़ा सा टाइम स्पेंड हो जाएगा। तो मैंने बोला कि ठीक है चलते हैं वहीं पे, तो इसलिए हम लोग जा रहे हैं घर। तो हम लोग निकल रहे हैं, हो गए 12 बज गए हैं और केक मैं ऐसे लेके जा रही हूँ। केक को मुझे ऐसे लेके जाना पड़ रहा है यार, इसको खोलना पड़े, खोलो। तो मेरा बोतल भी यही है, इसको मैं रख के पीछे। तो निकल चुके हैं हम लोग घर से और अभी हम लोग जा रहे हैं भिलाई वापस। और क्या बोलना था यार मुझे, कुछ आप लोगों के साथ शेयर करना था बट मैं भूल गई क्या बोलना था। क्या बोलना था, मैं केक को ऐसे हाथ में पकड़ के लेके जा रही हूँ क्योंकि मेरे पास ना उसका जो कवर होता है ना, इस साइज का कवर नहीं था, उससे छोटे छोटे कवर थे, तो मेरे को हाथ में पकड़ के ले जाना पड़ रहा है। बस मैं ये सोच रही हूँ कि ये मेल्ट ना हो जाए गर्मी से, बट नहीं होगा इसका क्रीम मेल्ट, क्योंकि पहुँच जाएंगे हम लोग शायद 1 घंटे में तो पहुँच ही जाएंगे। अच्छा मैं मस्ती नहीं करती हूँ, तुमको नहीं आता, तुम करते हो मस्ती। तो अंकुर का कहना है कि मैं मस्ती नहीं करती हूँ और वो मस्ती करते हैं, मेरे सामने नहीं करते। तो मुझे ये बताओ कि इंसान मस्ती कैसे करता है, हल्ला करता है क्या? हल्ला मतलब मस्ती होता है क्या? मतलब मैं हल्ला नहीं करती, मुझे शांत रहना और थोड़ा सा मतलब कम बात करना, धीरे बात करना अच्छा लगता है मुझे। तो मैं है हल्ला पागल जैसे वो सब पसंद नहीं है। और तुमको ऐसी मस्ती करना है, तुम चाहते हो मैं वैसी मस्ती करूँ? किसकी फीडबैक? मेरे ऑडियंस मुझे बहुत पसंद करते हैं, मुझे पता है करेंगे, मुझे पता है, क्योंकि मैं ब्लॉगिंग अभी अभी स्टार्ट की हूँ ना यार, तो टाइम लगता है चीज़ों को ग्रो होने में, है कि नहीं बताओ यार। हम लोग भिलाई तो जा रहे हैं, वहाँ पे हम लोग सोचे कि शाम को रेस्टोरेंट जाएंगे, बट ये नहीं पता कि कौन से रेस्टोरेंट जाएंगे, क्योंकि भिलाई में इतने कम ऑप्शंस है होटल्स के। मतलब रायपुर में जैसे कुछ भी मिल जाता है होटल्स और हम लोग को बहुत सारे ऑप्शंस भी मिल जाते हैं, बट ऐसा भिलाई में तो बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है, बहुत कम ही है, थोड़े बहुत ही उन्हीं में से कहीं पे जाना पड़ेगा। तुमने कुछ सोचा कहाँ जाएंगे, कौन सी जगह? तो देखते हैं कि कहाँ जाएंगे, अभी तक पता नहीं है यार कुछ। किसी को पता हो तो सजेस्ट करना भिलाई में कोई अच्छा रेस्टोरेंट खाने का, जहाँ पे खाना टेस्टी हो। मतलब मैटर तो वही करते हैं कि खाना टेस्टी होना चाहिए, पर आजकल तो मतलब भरोसा ही उड़ गया है होटल्स में। मतलब इतने मतलब अनहाइजीनिक तरीके से बनाते हैं, मतलब अभी अभी जो इतना ज़्यादा न्यूज़ में आए हैं अशोका बिरयानी का, ओ माय गॉड, मतलब उनका फूड कितने दिन का स्टोर करके रखते हैं, और मतलब बहुत ही अनहाइजीनिक किचन था उनका। इसमें तो ऐसा लगता है कि यार इससे अच्छा वो स्ट्रीट फूड वाला ही है, एटलीस्ट वो हमारे सामने बनाता है तो हमको दिखता भी है कि वो क्या बना रहे हैं। बट होटल्स का तो भरोसा ही उठ गया कि मतलब कौन कितने सफाई से बना रहा है और कौन कितने गंदे तरीके से बना रहा है, देखते हैं। बस हम पहुँचने ही वाले हैं, देखो केक का हालत। पर पता मैं केक बना के रखी थी फ्रिज में छुपा के,
फिर भी अंकुर देख लिए उसको खोल के, मतलब एकदम सबर नहीं होता है। छुपा के रखना नहीं बोलते, तो छुपा के कहा, वॉशिंग मशीन के अंदर रखती, छुपा के अलमारी के अंदर रखी थी, और मैं पानी का बोतल बस खोलने के लिए फ्रिज में लेने के लिए फ्रिज खोला था और सामने रखा हुआ था, मतलब मैं ना चाहते हुए भी दिख गया था ना। तुम्हारा इतना खराब स्किल्स है छुपाने में, क्या बोलूं, चुप रहो तुम। मैं उसको एकदम नीचे अच्छे से, और उसके बाद एक कंपार्टमेंट अलग से लगा करके रखी थी, है ना, मैं उसको छुपा के हाइड करके रखी थी कि ना दिखे आज दिखाऊंगी, लेकिन सबर ही नहीं होता है, पता है बना रही है केक, देखता हूँ बन गया होगा अब तक केक, तो खोल के देख लिए बस, सरप्राइज, मतलब कुछ सरप्राइज रहा नहीं। मैं सोची थी आज केक कटिंग के टाइम पे ही दिखाऊंगी, बट देख लिए पहले। तो आ चुके हैं हम लोग घर, चलते हैं मम्मी से मिलने के लिए, मम्मी से, थम्मा से, सबसे मिल के फिर हम लोग जाएंगे वापस यहाँ से अंगूर के घर। बेटी हो अच्छा, आप लोग इनको तो पता ही नहीं कि आप, मैं आपकी बेटी हूँ। मम्मी आपका हाइट देखो, पर हम लोग का हाइट देखो, हमारा भी तुम हिलते कैसे हो, आप बताओ कैसे हो, बता दो मुझे कैसा है, ठीक है, वो बाल वाल और कट कर लो, थोड़ा छोटा छोटा कर, मेरे जैसे कट कर, वही सबको हाय बोल दो, हाय हाथ से दिखा के से हाय, हाथ तो चले ना, दर्द हो रहा है क्या, बाप रे सब क्या चल रहा है यहाँ पे। तो बस अब हम लोग निकल रहे हैं घर के लिए, जाते हैं, चलो मम्मी बाय, शाम को मिलते हैं, ठीक है, रेडी रहूंगी, ठीक है। मम्मी मेरा हाइट लंबा हो गया कि आप छोटे हो गए हो? मैं छोटी हो गई हूँ ना, हाइट कम होता जा रहा है लग रहा है। चलो चल रही हूँ मम्मी, केक बनाई थी, लाई हूँ, दिखाऊँ, ये देखो, अरे वाह कैसा लग रहा है, बहुत मस्त, बहुत सुंदर, शाम को काट लेंगे ना वहीं जाकर के, हाँ, ना जब जाएंगे, चल मस्त है ना, चल बैठो, गिर जाएगा जल्दी बैठ अंदर, हाँ आऊंगी फिर मिलूंगी, ठीक है, ठीक है, चलो चलते हैं, शाम को मिलते मम्मी, है ना, बाय, मेरे को लगता ही नहीं तो मेरी बेटी है। तो निकल गए हम लोग घर से, तो अभी हम लोग जा रहे हैं ससुराल मेरे, तो चलते हैं, और उसके बाद क्या प्लान है मुझे नहीं पता, मुझे अभी ब्लॉग्स भी अपलोड करने हैं, मैं अभी तक अपलोड नहीं किया हूँ, तो वहीं जाके मैं ब्लॉग अपलोड करूँगी, मतलब मैं ना एक दिन पहले ही एडिटिंग वगैरह करके रख ली थी कल, क्योंकि मुझे पता था कि आज मुझे टाइम नहीं मिलेगा, तो अच्छा है कभी करना, मतलब पहले से करके रख लो तो टाइम बहुत बचता है, तो अच्छा है आज मैं थोड़ा सा फ्री हूँ, मुझे बस जाके ब्लॉग अपलोड करना है, तो ब्लॉग को पूरा देख लो आप लोग, और लाइक कमेंट और शेयर भी ज़रूर करना। तो चलो चलते हैं, और उसके बाद देखते हैं कि क्या प्लानिंग है, मैं आप लोग को भी दिखाऊंगी। तो आ गए हम लोग घर, खुश तो तुम बहुत हो गए आज, हैं घर आ गए तुम्हारे तो, है ना, खुशी से हमारे नाचोगे ना तुम आज, प्रसाद पकड़ो घर में ले जाना के लिए, ये तुमको थोड़ा सा पकड़ना पड़ेगा यार, गिर जाएगा नहीं तो, बॉटल भी रखा है, ये लो पकड़ो, मेरे को अपना बॉटल भी लेना है, बॉटल ले लेते, देख के ध्यान से पकड़ना, गिरा नहीं देना। तो आ चुके हम लोग घर, तो अभी जा रहे खाना वाना खाना खाने, और खाना वाना खाने के बाद फिर अपन ऊपर आएंगे, थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, और उसके बाद उनका प्लानिंग है, थोड़ा सा आराम आराम करेंगे, रेस्ट करेंगे, और उसके बाद हम लोग शाम को निकलेंगे, तो चलो चलते हैं। आ चुके हम लोग नीचे, और अभी करेंगे हम लोग लंच, और लंच वगैरह वो सब करेंगे, तो चलते हैं। क्या कर रहे हो, ऐसी अब बात करना, आप क्यों नहीं कर रही है बात, जब देखो चें 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 कर, कंधे में आके चुप हो गई, क्या हो गया, क्या क्या चाहिए, तू देख रही है वो कौन है ये, मम्मी तो नहीं लग रही है, कौन है ये,
देख कैसे नहीं देखो पूरे जा रही है, पहचान नहीं पा रही ना कौन है। बहुत दिन बाद इसको मैं ली हूँ ना, इसीलिए तुम लोगे नहीं, मैं नहीं लूंगा गंदे। तुम डरते क्यों यार, डरने का क्या है इसमें, कितनी क्यूट सी प्यारी सी है। आग पार पड़ गए देख रहे हो। अभी चुप बैठे थे चिल्ला रही थी। ये देखो हमारे घर की शैतान। जब तक गोदी नहीं तब तक चिल्लाते रहती है, उसके बाद फिर ऐसी हो जाती चुप। देख रही सुन रही क्या बोल रही हूँ मैं। तो यहाँ हम आ गए थे खाना खाने के लिए और अंकुर यहाँ बैठ गए थे खाना खाने के लिए। तो यहाँ पे आज अंकुर के लिए मम्मी ने खाना बनाया, तो आज सब कुछ वेज बना है क्योंकि आज सैटरडे है। तो सैटरडे मम्मी पापा वेज खाते हैं, नॉन वेज नहीं खाते हैं, तो इसलिए आज घर पे वेज बना था। तो हमारे घर में जिसका भी बर्थडे होता है ना, तो फर्स्ट खाना हम प्लेट में जिनका बर्थडे होता है उनके लिए निकालते हैं। तो यहाँ सब अंकुर के लिए पहले हमने खाना परोस दिया था, मम्मी और मैंने, और उसके बाद फिर मैंने सबका खाना परोस दिया, मतलब पापा का, मम्मी का और मेरा। तो हम लोग यहाँ पे सब खाना वाना खा लिए थे। तो आज मम्मी ने बनाया था दाल फ्राई, पनीर की सब्ज़ी और बरबट्टी की सब्ज़ी, और थोड़ा सा पोस्तो बड़ा होता है वो बनाया था, और मीठे में बनाया था खीर, बंगाली में इसको बोलते हैं पायश, मतलब जो गुड़ का पायश होता है ना वो बनाया था। और यहाँ टीवी देखते देखते हम लोग खाना वाना खा रहे थे, और खाना वाना हो गया था हम लोगों का, और उसके बाद फिर अंकुर चले गए थे रेस्ट करने के लिए। मैं तो जनरली दोपहर में सोती नहीं हूँ, तो इसलिए मैं जगी हुई थी, नीचे बैठी हुई थी, और मैं देख रही थी बिग बॉस यहाँ पे। अंकुर तो बिग बॉस नहीं देखते हैं, तो मैं सोची कि मैं ही देख लेती हूँ जब नीचे बैठी हूँ। तो मैं यहाँ नीचे बैठ के ना व्लॉग्स अपलोड कर रही थी, क्योंकि ना ऊपर, मतलब मेरा और अंकुर का रूम ना ऊपर है, और ऊपर वाले कमरे में ना वाईफाई की स्पीड और नेटवर्क ना उतना ज़्यादा अच्छा नहीं आता, इसलिए मैं नीचे बैठ के ही अपलोड भी कर रही थी, और साथ में सोची कि मैं बिग बॉस भी देखती हूँ ताकि वो जल्दी अपलोड भी हो जाए। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि इतना लेट हो जाता है व्लॉग्स अपलोड होने में, मतलब मैं अब कितने देर से अपलोड में लगाई हुई थी, मतलब 2-3 घंटे लग गए मुझे व्लॉग्स अपलोड करने में। वो इतना ज़्यादा टाइम ले लिया था कल, मतलब पता नहीं नेटवर्क इशूज़ था कि क्या था, बट व्लॉग अपलोड हो ही नहीं रहा था, और बड़ी मुश्किल से शाम को अपलोड हुआ। तो मैं आ गई थी अपने रूम में, मतलब कि ऊपर आ गई थी, और उसके बाद मैं ना अपने रूम के बाहर बालकनी से ना ऐसे बाहर निकल के देख रही थी, क्योंकि बारिश भी हो रहा था बहुत। तो अभी हम जा रहे हैं तैयार होने के लिए। तो मैं हो चुकी हूँ यहाँ रेडी, चले फिर। तो बेबी रेडी हो तुम? एकदम चले जंग लड़ने थोड़ी जा रहे हैं, रेडी होना। जंग लड़ने के लिए तुम रेडी होके जाओगे? खाना खाने के लिए जा रहे हैं ना। तो क्या हो गया फिर भी? तो तैयार में क्या बात है ऐसा? तुम्हारा बर्थडे, तो तुमको कैसा फील हो रहा है? कोई फीलिंग नहीं आती शादी के बाद, बर्थडे बर्थडे शादी के बाद, मतलब शादी के बाद आपको सिर्फ सुकून चाहिए होता है। सुकून मतलब मैं तुमको सुकून नहीं, बर्थडे के दिन मिले जब आके दिन मिले, तो मैं तुमको सुकून नहीं देती हूं। बहुत देती हूं तभी तो बोल रहा हूं, वही इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। देखो देखो गाइस, इन अंकुर के कहने का मतलब मैं उनको सुकून नहीं देती हूं। मैं तुमको परेशान करती हूँ? मेरी जैसी वाइफ तुमको मिलेगी नहीं, तुम दिया ढूंढ, दिया लेके भी ढूंढोगे तो काफी है। नहीं खोजोगे? ठीक है देखती हूँ, अगर कभी दिखे मुझे सोच लेना। तो हम लोग हो चुके हैं रेडी, तो अभी हम लोग जाते हैं नीचे, मम्मी पापा के रेडी हो गए होंगे, उसके बाद फिर मेरे मम्मी पापा भी आएंगे, और उसके बाद फिर हम डिनर के लिए जाएंगे। वैसे तो बहुत तेज़ बारिश हो रही है, तो हम लोगों का मतलब प्लान पहले ही हो चुका था कि हम लोग बाहर जाएंगे, लेकिन फिर उसके बाद सोचे कि बारिश हो रही है, तो फिर सोचे कि जाएँ या नहीं जाएँ, बट मैं फिर देखिए मम्मी लोग भी रेडी हो गए थे सब लोग, तो फिर सोचे कि चलते ही हैं, तो इसलिए हम लोग अभी निकलेंगे घर से मम्मी लोग आने के बाद। तो मम्मी पापा आएंगे, केक कटिंग होगा, और केक कटिंग के बाद फिर हम लोग निकलेंगे यहाँ से। बहुत तेज़ बारिश हो रही है, मतलब बारिश हो रही है फिर रुक रही है फिर बारिश हो रही है, इस टाइप का आज बहुत, मतलब सुबह से इतना ज़्यादा तेज़ धूप था, और अभी मतलब जब से शाम से बारिश ही हो रहा है, तो पता नहीं अब बारिश का तो क्या है। तो अभी तो हम लोग चलते हैं नीचे, मैं थोड़ा सा तैयारी वगैरह करती हूँ केक कटिंग की, और इसकी मम्मी पापा भी आने वाले हैं, उसके बाद फिर हम निकलेंगे डिनर के लिए।
तो पहले हम सोचे थे कि ना वहीं जाके केक कट करेंगे, मतलब जिस रेस्टोरेंट जा रहे हैं वहीं जाके केक कट करेंगे, बट इतनी तेज़ बारिश हो रही है तो फिर हमने सोचे कि घर पे ही केक कट करते हैं, फिर उसके बाद हम डिनर करने के लिए रेस्टोरेंट जाएंगे। और रेस्टोरेंट भी हमने ढूंढ रहे थे कि कहाँ जाए, कौन सी जगह जाए। पहले तो एक जगह डिसाइड की थी, मुझे याद नहीं आ रहा उसका नाम, बट वो बहुत ज़्यादा दूर था। लेकिन जैसे देखी कि इतनी तेज़ बारिश हो रही तो हमने सोचे कि यार कहीं पास में ही चलते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा कीचड़ और इतनी ज़्यादा मतलब गंदा हो रखा है ना बाहर, कि इच्छा ही नहीं होती है कि हम लोग जाएँ। बट फिर प्लान कर लिए थे तो जाना तो था ही, इसलिए हम लोग अभी जा रहे हैं पास में। तो चलो मैं वो भी दिखाऊंगी कि कहाँ जा रहे हैं। तो मेरा बाल ना थोड़ा सा चंपू जैसा लग रहा था, मैं इधर था ना तो उसको इधर कर लिया। क्या मुझे ऐसा लग रहा है कि बोटॉक्स करवाने के बाद ना थोड़ा सा बाल ऑयली जैसा चिपचिपा जैसा हो ही जाता है। मतलब मैं कल हेयर वॉश की थी और आज ही मेरा बाल ना एकदम चिपकू चिपकू जैसा हो गया। मुझे लग रहा है हर ऑल्टरनेट डेज में फिर मुझे हेयर वॉश करना होगा। अभी भी बारिश हो रहा है, पानी भी है। सब रेडी, मम्मी पापा अपनी कार में जा रहे हैं, हम अपनी कार में जा रहे हैं, क्योंकि मेरे मम्मी पापा अभी तक नहीं आए हैं, उनको डायरेक्ट वहीं जाने बोले। हाँ, निकल चुके हम लोग घर से तो अभी जा रहे हैं। तो मम्मी पापा, पहले हमने सोचे कि ना घर पे बोलेंगे आने के लिए, बोल दी थी मैं, बट उनको थोड़ा सा लेट हो रहा है। तो हम लोग सोचे कि हम ही लोग पहले रेस्टोरेंट चले जाते, क्योंकि हमने ना टेबल बुक करवा लिया वहाँ पे, टाइम हो जाएगा। तो हमने वहाँ पे 9 बजे का टाइम दिया था, अभी 9 बज चुका है, तो मम्मी लोग वहीं पर ही मिलेंगे। तो हम ही लोग वापस मम्मी को ड्रॉप करने घर जाएंगे, इसलिए हम लोग अलग अलग गाड़ी में जा रहे हैं, और मम्मी लोग को फिर इसी में लेके वापस भी यहाँ आएंगे। घर आके केक वेक कटिंग करेंगे और उसके बाद फिर मम्मी को छोड़ने के लिए जाएंगे। तो आगे है पापा की कार और यहाँ हम चल रहे हैं, तो चलते हैं। चलो, तो पहुँच गए हैं हम लोग गाड़ी पाकन में, इतनी बारिश हो रही थी। गाड़ी रखने की जगह है यहीं पर रखनी है। आ गए हम लोग अंदर में, किसी का बर्थडे बन रहा है। तो यहाँ हम लोग बैठ रहे हैं, हाँ फिर यहाँ से आना पड़ेगा। तो मम्मी पापा भी यहाँ आ गए थे और ना बाहर बारिश भी हो रही थी, और वहाँ पे ना सिटिंग अरेंजमेंट बहुत अच्छा मिल गया था हम लोग को, हमने पहले से रिजर्व कर लिया था। तो वो ना 2-3 ऑप्शन को बता रहे थे कि आप यहाँ पे भी बैठ सकते हो या यहाँ पे भी बैठ सकते हो। तो हम लोगों ने ना यहाँ पे जो नीचे ऐसे डाउन पे ऐसा बना हुआ है ना, उस वहाँ पे हम लोग बैठे थे, काफ़ी अच्छा लग रहा था सिटिंग अरेंजमेंट। इस जगह पे ना मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ, मतलब हम लोग फर्स्ट टाइम ही, मैं और अंकुर भी फर्स्ट टाइम ही आए थे। तो ये ना हमारे घर से काफ़ी पास में था, मतलब कि मेरे ससुराल से बहुत ज़्यादा पास में था। तो हमने सोचे कि ना इतनी तेज़ बारिश हो रही है तो इससे अच्छा हम लोग ना पास में ही कहीं चलते हैं। वैसे तो हम लोग का प्लान एक और 2 जगह हम लोग सोच के रखे थे, बट वो ना काफ़ी दूर था, बारिश नहीं होता तो शायद हम लोग वहाँ भी चले जाते, बट बारिश हो रहा था तो हम लोग सोचे कि ना यही पास में जगह है तो यहीं पर ही चलते हैं। और ये काफ़ी अच्छा भी दिख रहा था, और थम्मा और गोलू को भी आने को बोला था, बट वो लोग नहीं आए। मैं थम्मा से बात भी की थी, मैं बोली कि आप क्यों नहीं आ रहे हो, आ जाओ, तो थम्मा बोली कि उनकी ना तबीयत ठीक नहीं लग रही है तो इसलिए वो नहीं आएंगी बोली। तो और गोलू ना मम्मी पापा को छोड़ के चला गया था, मतलब कि मेरा भाई। तो हम यहाँ कर रहे थे ऑर्डर, तो हम लोग सोचे कि क्या ऑर्डर करें, क्योंकि ना वेज और नॉनवेज दोनों थे, क्योंकि अंकुर, मैं और मेरी मम्मी हम लोग खाने वाले थे नॉनवेज, और हाँ मेरे पापा भी, मतलब कि मेरे फादर इन लॉ, और बाकी मेरे पापा और मेरी मदर इन लॉ, वो दोनों
वेज खाने वाले थे क्योंकि वो लोग सैटरडे नहीं खाते हैं, तो इसीलिए हम लोग सोचे कि ना वेज और नॉन वेज में क्या क्या ऑर्डर किया जाए। तो हम लोग बहुत ही डिसाइड कर रहे थे कि क्या ऑर्डर करें यार, वेज वालों के लिए पनीर छोड़ के तो कोई ऑप्शन मेरे को समझ ही नहीं आता है। और तो फिर हम सोचे कि ना पनीर ही ऑर्डर कर लिया जाए, तो हमने ना कुछ वेज वालों के लिए पनीर में ऑर्डर कर लिया था, दाल तड़का वगैरह भी ऑर्डर कर लिया था, और नॉन वेज के लिए हमने सोचा कि प्रॉन्स वगैरह ऑर्डर कर लेते हैं और मटन ऑर्डर कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ऑर्डर करने के बाद मम्मी और दोनों मम्मी चले गए थे फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करने के लिए, और फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करने के बाद हमारा यहाँ पे खाना भी आ चुका था। तो स्टार्टर में वेज वालों के लिए हमने कुछ पटेटो, क्रिस्पी पटेटो जैसा कुछ था वो, बॉल्स जैसा, तो वो खाने में अच्छा लग रहा था तो ये ऑर्डर किया था। और उसके बाद नॉन वेज में हमने ऑर्डर किया था प्रॉन्स स्टार्टर में, और मेन कोर्स में हमने ऑर्डर किया था मटन रोगन जोश। और खाना वहाँ का अच्छा ही लगा मुझे, टेस्टी था। बट मुझे और अंकुर को रात में ना लेट खाने की आदत नहीं, हम लोग ना बहुत जल्दी खा लेते हैं। मतलब जैसे अंकुर ऑफिस से घर आते हैं ना, तो हम 7:30 तक ना हमारा खाना वाना हो भी जाता है, और आज बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। मतलब अभी तो 9:30 बज रहे थे, और रात में ना इतना हैवी खाने का आदत भी नहीं है मुझे तो, और इसलिए ना मुझे ना खाने की इच्छा नहीं हो रही थी, बट फिर भी मैंने खाया। मुझे लग रहा था कि ना हम दोपहर में आते ना तो ज़्यादा सही होता, क्योंकि ना दोपहर में ना थोड़ा सा हैवी खाया जा सकता है, लेकिन रात में ना बहुत ज़्यादा हैवी नहीं खाया जा सकता। बट प्लानिंग ये अपनी ऐसी हुई कि हम लोग को लगा कि यार रात में ही चलते हैं। पहले हम सोच भी रहे थे कि दोपहर में चलते हैं, फिर बाद में लग रहा था कि यार दोपहर में ही आना था। तो यहाँ आ गया था हमारा खाना, तो हमने बटर गार्लिक नान मंगाया था, दाल तड़का मंगाया था, और यहाँ पे दो दाल तड़का हमने मंगाया था, बट वो भी बच गया था, हमने सब ने ख़त्म भी नहीं कर पाए। और यहाँ पे पनीर का कुछ सब्ज़ी था, शायद कढ़ाई पनीर था, और मटन में था मटन रोगन जोश। और उसके बाद हमने ना थोड़ा सा राइस भी मंगाया था लास्ट में। तो हो गया था हमारे यहाँ खाना भी कम्प्लीट, और हम लोग यहाँ से निकल रहे थे। और यहाँ से निकलने के बाद हम लोग वापस घर जाएंगे और घर में केक कटिंग करेंगे, और उसके बाद फिर मम्मी पापा को हम छोड़ने के लिए जाएंगे। और यहाँ पे दोनों मम्मी फिर आ गए थे फ़ोटोज़ क्लिक करने के लिए, बोले थे यहाँ फ़ोटोज़ अच्छी आएगी, तो यहाँ भी आ चुके हैं हम लोग घर। और अगर आप लोग मेरे पहले के व्लॉग्स देखे होंगे तो उस व्लॉग में मैंने डाला था जब मैं अपने ससुराल आई हुई थी, तो तब ये ना रेनोवेट हो रहा था सामने का, ये वाला कुछ कुछ चीज़ें रेनोवेट हो रही थी, तो उस टाइम मैंने वीडियो डाली थी। और उसके बाद ना अभी मम्मी पापा लोग आए हैं तब ये देखे हैं, जब पूरे अच्छी तरीके से रेनोवेट हो चुका है, तो वही मम्मी लोग देख रहे थे, मम्मी को घर दिखा रहे थे मम्मी पापा की क्या क्या रेनोवेट किया, कैसे क्या किया, तो वही सब मैं भी मम्मी को दिखा रही थी और अंकुर भी दिखा रहे थे। तो उसके बाद ना हम लोग मम्मी पापा लोग सब बैठ के थोड़ी देर ऐसी बात बात भी कर रहे थे। तो सब ऐसे ही बैठ के बात बात कर रहे थे, तो काफ़ी टाइम बाद ही सब लोग मिले थे, क्योंकि ना काफ़ी टाइम से हम लोग गेट टुगेदर भी नहीं कर रहे थे, डिनर वगैरह भी साथ में नहीं हुआ था, तो इस बहुत टाइम बाद इस बार मम्मी पापा भी घर पे आए थे, तो हम लोग सब बैठ के ना काफ़ी देर बात बात की। और अंकुर यहाँ मम्मी को कुछ कुछ दिखा रहे थे कि कैसे फंक्शन है, क्या होता है, तो मम्मी भी वो देख रही थी, तो बहुत मस्त लग रहा था देखने में भी वो। चलो बर्थडे बॉय बैठ जाओ।
तो यहाँ बर्थडे बॉय का केक भी आ गया था, तो अब हम लोग केक कटिंग करने वाले हैं क्योंकि मम्मी पापा को भी घर छोड़ना था और काफ़ी टाइम भी हो गया था, 10:30 हो ही गए थे। तो यहाँ पे मम्मी नाइफ ला के दे दी थी केक कट करने की। बहुत जल्दी 30 साल हो गए मैं। 40 साल के हो रहे हो अब। 30 साल से ज्यादा भी होगा मेरे को। तेरा? मैं बता दूँ असली वो है। थोड़ा सा बस। ये बाहर ही पिंक में इच्छा। टेस्टी है? क्या खिला रहा हूँ? पिंकी को खिला? ये हो गया। खाने का है ना? खाने का। आपने खाओगे? खाने का नहीं। ये वेज है ना? खाने का नहीं, नहीं नहीं अंडा नहीं है। तो हर चीज खाने का रहता है इसमें। ये वाला भी मिलता है। हाँ मिलता है ना ये सब चीज। पूरा चीज खाने का रहता है केक में। ये खाने वाला भी आता है लेकिन ये वाला नहीं है। अच्छा बना है? नहीं अच्छा टेस्टी है। अच्छा बहुत टेस्टी है। लो उसको काट के देखो। ये फ्लेवर अच्छा लग रहा है। पाइनएप्पल टाइप का फ्लेवर है ना अंदर। पाइनएप्पल क्रीम जोड़ के काट काट लो ना। काट का आधा तो काट के पहले दे दो पूरा। क्या करना है? कौन आप क्या खाएंगे ना? नहीं अरे हमारा खाएंगे लो। मैं लिमिट में खाता हूं। मैं ज्यादा नहीं खाऊंगा। ज्यादा थोड़ा खाती नहीं ज्यादा। और हम निकल गए थे मम्मी पापा को घर ड्रॉप करने के लिए। तो यार रात में मतलब भिलाई में इतनी ज़्यादा शांति हो जाती है, मतलब रास्ते में कोई दिखता ही नहीं है। मतलब अभी मात्र 10:30-11 बजा होगा मुश्किल से, बट पूरा रास्ता ऐसा खाली था। तो मम्मी पापा को भी हम यहाँ पे घर ड्रॉप कर दिए थे। तो मैं पहले सोची थी कि ना अंदर जाती हूँ दादी से मिल के आती हूँ, लेकिन सब सो गए थे तो फिर कोई मतलब नहीं था अंदर जाने का। तो मिलते हैं अब, ठीक है? कल हम लोग आएंगे। कल कितने बजे? सुबह? कल सुबह आएंगे और सुबह निकल जाएंगे, ठीक है? बाय 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 बाय। चल रहे हैं अब हम लोग वापस घर। चलो मम्मी। चलो बाय मम्मी। आते हैं फिर। बाय। तो आ चुके हम लोग वापस घर मम्मी पापा को ड्रॉप करके। तो आ गए हम लोग ऊपर और अभी हम लोग जाएंगे सोने के लिए क्योंकि बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुके हैं, थक चुके हैं। और अभी हम लोग रहेंगे थोड़ा सा आराम, फिर सुबह उठ के हम लोग निकल जाएंगे घर के लिए। कुछ काम वगैरह था जिसको हम लोग कंप्लीट करना है, तो कल हम लोग सुबह में भी जाएंगे मार्केट। कुछ काम है यहाँ पे वो कंप्लीट करके फिर हम लोग निकल जाएंगे रायपुर के लिए वापस। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक फॉलो शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।